नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। करवा चौथ व्रत महिलाओं का त्यौहार है और उनके कठोर तप का दिन है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए निर्जल व्रत रहती हैं। अक्टूबर का महीना शुरू होते ही करवा चौथ व्रत की चर्चा शुरू हो जाती है। करवा चौथ महिलाओं का बहुत बड़ा त्यौहार है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और हर साल कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन इस व्रत को रखा जाता है। इस दिन संकष्टि चतुर्थी भी होती है, इसलिए तमाम लोग इस दिन गणपति का पूजन करते हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। इस व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी, तभी से महिलाओं के बीच इस व्रत को रखने की परंपरा शुरू हो गई। जानिए इस व्रत से जुड़ी तमाम जरूरी बातें। करवा चौथ का महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों के युद्ध हुआ। दानव देवताओं पर भारी पड़ रहे थे, तभी ब्रह्मा जी ने देवों को विजयी बनाने के लिए उनकी पत्नियों को करवा चौथ का व्रत रखने का सुझाव दिया। इसके बाद देवताओं की युद्ध में जीत हुई थी। माना जाता है कि जो भी महिला इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखती है, उसके पति के जीवन की तमाम समस्याएं टल जाती हैं और उसे दीर्घायु प्राप्त होती है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन की परेशानियां भी दूर होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस व्रत की विधि। सुबह 4 बजे उठकर घर की परंपरा के अनुसार सर्गी ग्रहण करें। इसके बाद स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। दिन भर निर्जल व्रत रखें। शाम को 16 श्रृंगार करके तैयार हों। शिव और पार्वती की तस्वीर के समक्ष दीपक जलाएं। भगवान को रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, श्रृंगार का सामान आदि अर्पित करें और करवा चौथ की कथा पढ़ें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दें। पूजा समाप्त होने के बाद पति को टीका करें और मिष्ठान खिलाएं। इसके बाद उनके हाथों से पानी पीकर अपना व्रत समाप्त करें। जानते हैं शुभ मुहूर्त। व्रत की तिथि है 24 अक्टूबर 2021 दिन रविवार। चतुर्थी तिथि आरंभ 24 अक्टूबर 2021 रविवार को सुबह 3:01 से। चतुर्थी तिथि समाप्त 25 अक्टूबर 2021 सोमवार को सुबह 5:43 पर। चंद्रोदय का समय है 8:07 पर। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और ऐसी जानकारी लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।